हे कृष्ण कन्हैया, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे आशीर्वाद दे 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 मेरे लाला। और कितनी परीक्षा लेगा, इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? 3 साल हो गए, 3 साल मुझे हो गए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का मिले हुए लाइसेंस। 3 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। हे गोवर्धन गिरधारी, एक एक बड़ा सा पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। कम से कम अगर वो ना हो तो एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलवा दे। अच्छा अच्छा वो ना हो तो कम से कम एक म्यूनसिपालिटी का बस स्टैंड ही दिलवा दे। हैं, इसी तरह कोई भी अच्छी चीज दिलवा दे। 3 साल से मांग रहा, दिया क्या है? खाली रोड और गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। कैसे जीऊंगा कृष्णा, कैसे जीऊंगा मैं, खुद ही सोचो। हे कृष्ण मुरारी, अगर म्यूनसिपालिटी वाले टाइम पे मेरा बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को पैसे कैसे दूंगा, कैसे चुकाऊंगा? हे माखन चोर, कल वो मेरा असिस्टेंट नहीं है, रंगीला, 1000 रुपए ले गया मुझसे। आज बोलता है वो हपची खत्म हो गए। आप ही रंगीला को बोलो ना कि पागलों की तरह ऐसे पैसे खर्च ना करे। गरीब हूं मैं, सड़क पे आ जाऊंगा मुकंद। हाँ, एक और बात, आप मेरे मजदूरों को बोलो ना कि ऐसे राक्षसों की तरह खाना ना खाएं, ये मोटे मोटे पेट हो गए उनके। बोल मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। नहीं सुधरे गई। मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद। ये चालू हो गया सुबह सुबह, कानों में रुई ठूसनी पड़ेगी जैसे कृष्णा अभी उबाल के देगा। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। लेकिन उसके लिए मन साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान उसकी सुनेगा। वो समझता है उसके सबसे बड़े दुश्मन उसी के घर में है, उसका बड़ा भाई और तुम दोनों जीजाजी। गायत्री दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तो अभी तक ये घर बेच नहीं दिया होता क्या? कल उस कॉन्ट्रैक्टर जैन ने इस घर का जो भाव बताया ना त्रिगुण, तू सुनता तो बेहोश होकर गिर जाता। क्या फायदा ये सब सुन के, आप ये घर बेच सकते हैं क्या? वो सबको समझना चाहिए ना, तुम दोनों बहनों के जो दादा परदादा थे वो 3 पीढ़ी पहले राजा महाराजा थे, अभी तो सबके इसके भी वांदे हैं। एक काम करो, ये पैलेस को गले में चिपका के उसके साथ भजन गाते बैठो। आप समझदार हैं, उसे समझाते क्यों नहीं? इससे भी और अच्छे अच्छे काम है मेरे पास करने के लिए, इसको समझाऊं उससे अच्छा है किसी भैंस के कान में मैं भगवत गीता गाऊं। ये मेरे साले की वजह से म्यूनिसिपालिटी की ऑफिस में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। जितने भी काम किए हैं इसने, सबको पता है चोरी चपाटी के काम किए, और ये चाहता है मैं निरीक्षण करके सबको बता दूं कि सब अच्छा है। ये इसके बुरे काम की वजह से म्यूनिसिपालिटी इसे बिल देने को तैयार नहीं है, है? और इसने, मेरे साले ने ऊपर से म्यूनिसिपालिटी के ऊपर केस ठोक दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। उसको बोलो कि पूजा पाठ बंद करे, और खाना हो तो नाश्ता तैयार है। आज वो किशन जी से 3-4 शिकायतें ज्यादा कर रहा था। माँ, भैया की पूजा दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। भगवान ही जाने इसकी जिंदगी कहाँ जाके रुकेगी। बस मेरा बिल पास करवा दे, बाकी मैं देख लूंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम। अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब भगवान के साथ भी शुरू हो गया। बस बाबूजी, एक बार शुरू हो जाता हूं तो खत्म नहीं होता, बस डूबता ही चला जाता हूं। अच्छा जी, क्या कहा किशन ने, कुछ देगा? अब तो बर्दाश्त के बाहर है। क्या? कल रात को तुम्हारे बाबूजी को सोते सोते 2 बज गए थे। अरे तो उनको बोलिए ना टाइम से सोने के लिए। हाँ, पर रात भर तुम लोग महफिल सजा के बैठोगे तो कैसे सोएंगे वो? तुम लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि ये कोई शराब का अड्डा नहीं है। अरे माँ, तुम भी देखो,
गवर्नमेंट इंजीनियर्स और नेताओं के साथ अगर तुम लोग मेल मिलाप करना चाहते हो तो होटल में क्यों नहीं, यहाँ क्यों? आखिर इस घर की भी कोई मान मर्यादा है, इज्जत है? स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है, बच्चों को हॉस्टल से ले आना। वो ठीक है। ए सुनो, वो नए आईवी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मैंने सिग्नेचर कर दिए, चेक मिले नहीं? अरे वो तो मैंने कल ही कलेक्ट कर लिए थे, और उसका कमीशन भी जिस को देना था दे दिया। वो चीफ इंजीनियर 1,00,000 रुपया ज्यादा मांग रहा था। अरे क्यों भाई, हमने सबकी रकम तय की थी ना। पता नहीं उसकी माँ की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो? ए उधरचंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपये उधार मांगे इसने, बोलो। वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है, मुझे तो 1,000 रुपये देखे हुए अरसा बीत गया। तो खानदान का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है तू? आप लोगों ने खानदान का नाम रोशन कर लिया ना, बस। एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने किसी से भी पैसे मांगे हो, छगन मगन लगन, पर उसके लिए आप में से किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा खुद का कोई नाम पता है क्या? हाँ है ना, नाम सचिन टिचकुले, पता मधुर जी मनोर राजवाड़ा, राम मंदिर, पवार गली नंबर 4, तालुका पलटन, जिला सतारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 415523। अभी सुबह सुबह तुम लोग मेरा नाम दिमाग खराब मत करो। माँ माँ, उबले हुए अंडे दो, मुझे दो चाहिए। लाती हूँ। नाओ, थके हुए से क्यों लग रहे हो? पिछले 2-3 दिन से सुहास बेटे की नौकरी कर रहा हूँ ना, घूमना फिरना हो रहा है बहुत, इसलिए। हाँ हाँ, भाग दौड़ करो, पैसे छापो, जब तक सही ढंग से कमा रहे हो ठीक है। अरे राव, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुंबई में है जी, मैं उसकी ट्रांसफर यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, बिना लाठी के तो वो चल नहीं पाती, अब उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना जी। काका जी कॉफी। हाँ? माँ ने कहा है, आके नाश्ता कर लीजिए। नहीं बस, पाई लागू काका जी। हाँ हाँ बेटे, जीते रहे। हाँ। एक दिन मैं भी ऐसी मर्सिडीज खरीदूंगा, आप भी चलाना। अभी आप जीजा जी के लिए काम करते हो, कल मेरे लिए काम करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले मैं तेरे बाबूजी के लिए गाड़ी चलाता था, आज मैं तेरे जीजा जी के लिए चलाता हूँ, कल मैं तेरे लिए चलाऊंगा, क्यों? चोली के पीछे क्या? बाहू आप कहाँ थे? ये सारे मजदूर कल शाम के 7 बजे तक काम कर रहे थे, हमने उनकी मजदूरी नहीं चुकाई। ए, रोज रोज मजदूरी नहीं दे सकते, उनको बोलो कि हफ्ते के आखिर में ले जाया करें हमसे मजदूरी, समझे? ठीक है। ए बाहू सुन, आज हफ्ते का आखिरी डे है, समझा क्या? आज शाम तक मजदूरी नहीं पहुँची ना तो सोमवार से काम बंद। ऑक्सीजन खल्लास, मरीज खल्लास, वैसे ही पगार बंद, काम बंद। नहीं नहीं, काम बंद नहीं होना चाहिए। आए काम करो, ये पकड़ो, ये बेच दो और सबकी तनख्वाह दे दो, समझे? 1 हफ्ते तो काम में आएगा ये। हाँ, अगले क्वार्टर तो काम चल जाएगा। ओए ओए, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे है? काम कर रहे। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़, अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के, बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा, पहले मैं खुद तो बन जाऊं फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। भाऊ वो भोजनालय वाला गालियां देता है हमको, बोलता है पैसा नहीं देने का तो इधर खाना नहीं खाने का। बोलो अभी क्या करने का? ए तू टारकोल डालने का? वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने में। भाऊ अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यही पका के खा लेंगे, इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। अच्छा उपाय। सुनो जी, मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने सुना नया कमिश्नर आने वाला है, अगर मैंने अभी से दबाव नहीं डाला तो हमारा चेक पास नहीं होएगा। और याद रखना,
कम रोड़ी, कम बजरी, कम डांबर, और उसके बाद डांबर को प्यार से सहलाना। जी रंगीला, जाओ अपनी साइकिल लेके आओ। एक बात बताओ रंगीला। हाँ, बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाऊ। मैं जब सातवीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाऊ। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे भाऊ, वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे ब्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको। फटाफट पेड़ मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं, उसके साथ गुंडे भी हैं। वो देख, मार अबे रोक बे। क्यों बेटा, थक गए साइकिल चला के? अरे कबूटे भाई, अरे यहाँ करोड़ी बल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है? भूले नहीं। क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों, उस तरह तू नहीं जाएगा ना? नहीं, मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ, तो क्या खास बात है? खास बात है मैं, अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 130,000 रुपए। खबरदार, जो तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती। अच्छे खासे राज घराने का, तेरे बाबू जी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान लिया तूने? तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता बे? आप लोग चलिए यहाँ से। सेठ जी मुजरा कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। हाँ, चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ मैं, मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं, 3 महीने बोले। 3 दिन? 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले? अरे तू जरा क्या बोला था? 3 दिन बोले थे? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन बोला था ना? 3 महीने बोले थे ना? मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हाँ सेठ जी, इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए। क्या रे, मैंने तुम बोलने को होता नहीं क्या? तेरे को क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूँ पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग, रिनोवेशन वगैरह, इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा, पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने। चल ठीक है, आजा। ए कंगले, ए भूखे नंगे, क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। ठीक है।